हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज इस कॉक्सिल नामक चॉक को आज हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस किस में वर्क करता है। मतलब ये यार स्पेशली जो अभी बना हुआ है इसमें कि ये कॉकरेज पर ही वर्क करता है स्पेशली। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि ये क्या चींटी पर वर्क करता है और करता है तो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे कि हम इसकी चॉक से, इस कॉक्सिल नामक चॉक से एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बनाने के बाद उस पे उसके बीच में एक गुड़ का ढेला रख देंगे और देखेंगे कि उस गुड़ के ढेले को चींटी खाती है या नहीं। मतलब लाइन को क्रॉस कर चींटी गुड़ के ढेले को खाती है या नहीं, और अगर गुड़ के ढेले को खाती है तो उसके साथ क्या होता है। मतलब वो लाइन क्रॉस करने के बाद उसके साथ क्या होता है, वो सब कुछ आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, चलो वीडियो को शुरू कर। बना दे रहे हैं एक सर्कल। तो गाइस, मैंने चौक निकाल लिया है और अभी इससे पहले मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ। आई थिंक सर्कल आपको दिखाई दे रहा हो। सर्कल मैंने बना दिया है, मैं इसे और गाढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि चींटी को दिखाई दे। पता नहीं यार उसे दिखाई दे कि ना दे, इतनी छोटी सी तो होती है। तो गाइस देखो, मैं सर्कल बना दे रहा हूँ और ज़्यादा गाढ़ा करके। गाइस सर्कल मैंने बना दिया है, बन चुका है। अब मैं इसके बीच में एक गुड़ का ढेला रख दे रहा हूँ। गाइस ये है गुड़ का ढेला जो कि मैं सर्कल के बीच में रख दे रहा हूँ। गाइस अभी गुड़ का ढेला भी रख दिया है और सर्कल भी बना दिया है। सो देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ चींटी का कि चींटी आएगी और इस सर्कल को क्रॉस करेगी या नहीं। सो गाइस थोड़ा वेट कर लेते हैं चींटी का, क्योंकि यार अभी अभी सर्कल बनाया है और अभी रखा तो तुरंत तो नहीं आएगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। सो गाइस थोड़ा वेट कर लेते हैं। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद भी कोई चींटी अंदर नहीं गई, मतलब लाइन को किसी ने क्रॉस नहीं किया। वैसे यहाँ पे तीन चींटियाँ आई थी, तीन क्या चार पांच चींटियाँ शायद आई थी, मैंने गिना नहीं, लेकिन कोई भी लाइन क्रॉस करके अंदर नहीं गई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक चींटी को पकड़ के इस सर्कल के अंदर रखूँगा और फिर देखूँगा क्या होता है। चलो गाइस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं चींटी को पकड़ लेके आता हूँ। सो गाइस देखो, मैंने चींटी पकड़ लिया है, अभी आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो गाइस देखो, ये मैंने चींटी पकड़ लिया है और अभी इसे सर्कल के बीच पे रखूँगा। सो देखूँगा कि क्या करती है, क्रॉस करती है सर्कल को, अगर सर्कल को क्रॉस करती है तो कुछ होता है कि नहीं होता है। सबसे इसे गुड़ के ऊपर रखता हूँ, शायद इसे गुड़ का टेस्ट है और ये थोड़ी देर सर्कल के अंदर रुके। गाइस ये तो सर्कल को क्रॉस कर गई। अब देखो गाइस, तीन चार चींटियाँ आ गई हैं, दो चींटी आ गई, एक चींटी आ गई है। यार कोई भी चींटी सर्कल को क्रॉस नहीं कर रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से कि ये सर्कल चींटी में भी काम करता है, क्योंकि गाइस चींटी बिल्कुल पास तक गई, काफ़ी पास तक गई सर्कल के, फिर भी सर्कल के अंदर नहीं गई और काफ़ी देर से गुड़ रखा हुआ है।
गाइज मैं एक काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद गुड़ कम है, तो मैं ये गुड़ के डब्बे से और ज़्यादा गुड़ निकाल कर रख देता हूँ, फिर तो देखता हूँ क्या होता है। नहीं, मैं देखो पूरा ही निकाल दे रहा हूँ जितना निकल पाएगा। सो गाइस अभी निकल नहीं पा रहा है, कोई इसे हाथ से निकालता हूँ और फिर रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। सो गाइस देखो अभी क्या होता है, ये चींटी जाती है या खाती है या नहीं। देखता हूँ क्या होता है। मैंने और भी ज़्यादा गुड़ का ढेला वहाँ रख दिया है। अगर अब भी चींटी नहीं आई तो इसका मतलब कि इट्स अ ट्रू, ये चींटी में भी वर्क करता है। अभी देखता हूँ क्या होता है। हाँ गाइस, ये चींटी मेरे बगल में, इसे पकड़ कर जर आज चींटी जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आती है। अभी पकड़ लिया है, देखता हूँ। गाइस देखो मैंने चींटी को सर्कल के अंदर डाल दिया है और गाइस चींटी अभी देखो, ये चींटी जो है, ये जो है चींटी, ये गुड़ को खा रही है। चींटी जो है वो गुड़ को खा रही है, आप देख सकते हो।
गाइस देखो, मैंने चींटी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन यार बचा नहीं पाया। बिकॉज़ ये एक पॉइजन है जो कि मतलब किसी के लिए भी खतरनाक है। इसे यूज करने में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मैं तो सोचता हूँ कि यार अगर इसे घर में यूज किया जाए, और अगर छोटे बच्चे खेल रहे हों और कोई खाने की चीज़ उस पर गिर जाए और उसे खा ले, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। आप खुद अपनी आंखों से आपने देख लिया है। मतलब देखो, पहली बात तो मैंने जब उस सर्कल बनाया था तो उस सर्कल में कोई भी चींटी अंदर नहीं जा रही थी। इसलिए क्योंकि यार वो एक पॉइजन था, और जो सर्कल के अंदर मैंने जिस चींटी को डाला था वो भी बाहर नहीं निकल रही थी। क्योंकि यार वो भी कैसे निकले, क्योंकि वो भी एक पॉइजन था, तो पॉइजन के बाहर कैसे निकल सकती थी। बट फिर भी यार मेरे डर से वो पॉइजन के बाहर निकली एंड आखिरी में वो मर गई। और गाइस देखो, ये बहुत ही ख़तरनाक पॉइजन है। इसे अगर आप अपने घर में यूज करते हो तो बहुत ही सावधानी से यूज करना। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड जिसने जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। एंड इस वीडियो को शेयर करो, एंड वीडियो में कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सपोर्ट करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।